अच्छा सपना, मुझे ये बताइए कि आप इतना व्यस्त रहती हैं, इतना ट्रैवल करती हैं, देश विदेश में शोज़ करती हैं, बॉलीवुड में आप कई सारे फिल्म भी कर चुकी हैं, आइटम नंबर्स भी कर चुकी हैं, आपको व्यक्तिगत अपने लिए कभी वक्त मिल पाता है? आज मैंने पहली बार सोची ये बात और मैं अपने आप को वक्त ज़रूर देना शुरू करूँगी। देना शुरू करेंगी? देना चाहिए, क्योंकि आदमी को सबसे पहले अपने से प्यार करना चाहिए, तभी वो दुनिया से प्यार कर पाएगा। प्यार बहुत है सर अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ मैं खुद से। लेकिन आपको अपने आप से प्यार है, लेकिन क्या सपना को किसी से प्यार हुआ है? नहीं, अभी तक कभी नहीं। कभी कोई पसंद नहीं आया? नो चाइल्डहुड क्रश? नहीं, चाइल्डहुड क्रश नहीं। संजय दत्त? नो टीनेज क्रश? संजय दत्त था नहीं। टीनेज में सर क्लासमेट्स को मारती इतना थी मैं, लड़कों से बहुत विवाद रहते थे, लड़कियों से बनती नहीं थी, लास्ट बेंच पर अकेले बैठती थी, फ्री पीरियड में सोती थी क्योंकि काम करके आती थी, तो इतनी बॉन्डिंग मेरी क्लास में भी किसी से नहीं रही। हाँ, हालांकि ये होता था जब मैं क्लास में घुसती थी तो हर दिन कोई ना कोई लड़का मेरे से पिटता था। अब तो मैं बहुत कूल डाउन हो गई हूँ। आफ्टर बिग बॉस मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत शांत हो गई हूँ मैं और चीज़ें भी समझनी शुरू की हैं। शायद फर्क भी पड़ता है, उम्र का फर्क होता है हल्का। बिग बॉस की आपने बात करी, इस बार जो बिग बॉस का सीजन आया उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, एक लड़की और एक लड़के को साथ में वो बेड पे रख रहे हैं, क्या ऐसी कोई शर्त उस वक्त बिग बॉस में होती तो सपना चौधरी करती? नहीं, मैं नहीं करती। जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि एक लड़की और एक लड़की को एक फॉलो कर रही हूँ और मैंने बिग बॉस देखा अभी फिलहाल रिसेंटली में, अच्छा चल रहा है, बड़ा स्टेज है, हाई टीआरपी है। और रही जाते कंट्रोवर्सी की बात, सर पब्लिक को तो सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए ही, कोई ना कोई सपना करवाती रहती है किसी ना किसी मुद्दे पे। नहीं नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं कराती। अच्छा, मैं आपसे, मैं तो चाहती हूँ कि हो ना। बिग बॉस पे ही पूछता हूँ, ये जो एक बेड पे लड़के और लड़की को रखने वाली बात है, बेड फ्रेंड फॉर एवर जो भी शब्द इस्तेमाल है, मैं शायद गलत हो सकता हूँ शब्द में, क्या ये ठीक है? क्या बिग बॉस को ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, मेरे को नहीं लगता करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक एक गेम के चक्कर में आप किसी अजनबी के साथ बेड शेयर करो, मेरे ख्याल से नहीं, गलत है। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तो आप बिग बॉस को सलाह देंगे कि ये ना हो? नहीं, या इस तरह होना चाहिए, बंद करो इसे। बंद करो सपना। आप चलते चलते मैं दो चीज जानना चाहूंगा। सपने, सपना की सबसे फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? संजय दत्त। तो मुझे आप संजय दत्त का कोई आपका सबसे फेवरेट गाना सुना दीजिए। संजय दत्त का कोई सबसे फेवरेट गाना? रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। अच्छा, चलते चलते मुझे ये बताइए कि एक ऐसी चीज जो आप लाइफ में करना चाहती हैं, जो सब कुछ कर लिया है लेकिन अभी इच्छा बच जाती है ना कि मुझे ये करना बाकी है? सर प्लानिंग कभी नहीं की, लेकिन हाँ एक प्रोजेक्ट पे बड़े दिन से प्लानिंग कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए एक फिल्म इंडस्ट्री देखी जाऊँ, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ कोई बॉन्डिंग ना हो, क्योंकि मैंने ऐसा टाइम पीरियड देखा है लोग धक्के मार दिया करते थे अपने ऑफिस से कि कहाँ से आ जाते हो, क्या करते हो, कोई काम करना आता नहीं है, घुस जाते हो आके, क्या करें, यहाँ फालतू का पैसा है। मैं चाहती हूँ कि वो पैसा और जो हमारी इंडस्ट्री है उसका जो बोलते हैं ना एक्सट्रीम लेवल का जो टैलेंट है, वो पैसे के आगे हारे ना कभी भी। मैं एक ऐसी इंडस्ट्री स्थापित करना चाहती हूँ हरियाणा में, और देखो कब होगी। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर सपना चौधरी जो अपने आप से बेहद प्यार करती है, अपने लिए चंद लाइनें उसको गानी हो तो कौन सा गाना गाएगी? अगर अपने लिए मुझे चंद लाइनें गानी, मैं बड़ी जो परेशान सी हो जाती हूँ, जब मैं तंग सी हो जाती हूँ, मुझे लगता है यार कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, छोड़ दो, और मैं छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा रिकॉर्ड है। तो मैं एक ही गाना गाती हूँ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले आगम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। मैं हमेशा ऐसी थी, ऐसी हूँ और ऐसी रहूँगी, कभी नहीं बदलूँगी। तो सपना कब शादी करेंगी? पता नहीं, लगता बाबा ही बनूंगी। लगता है बाबा बनूंगी। नहीं होने वाले इस जन्म में तो। क्यों नहीं होगी? पता नहीं सर, अभी कोई मिला नहीं है ऐसा पार्टनर जिसे बोल सके कि हाँ आप हो, तो जस्ट टाइम जिस दिन ऐसा मिल जाएगा
उस दिन वो भी मैं पब्लिक करूंगी, मेरे को पता है कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आखिरी चीज, सिर्फ 30 सेकंड आपके लूंगा, और मुझे बताइए कि चलते चलते आप नेशनल टेलीविजन पर बताइए कि सपना को कैसा, मतलब उसका जो ड्रीम बॉय है वो कैसा हो। ना सूरत से फर्क पड़ेगा ना उसके पैसे से, सिर्फ एक अच्छी चीज चाहिए, वो होगी उसकी सीरत। सीरत अच्छी है तो सब अच्छा है। मेरे को समझे, कभी मेरे को जज ना करे, मेरे काम को जज ना करे। मैं शादी के बाद भी काम करूंगी, शादी से पहले भी करूँ। इनफैक्ट मैं तो हमेशा कहती हूँ मेरे दांत दूध टूट जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मैं तो तब भी नाचूंगी साड़ी बांध के। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो सपना है कि आप एक हरियाणा के अंदर एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री शुरू करें, वो आपका जरूर पूरा हो। और अगर आपको मुझे डिस्क्राइब करना हो तो मैं आपके लिए सिर्फ 2 शब्द बोलूँगा, छोटे पैकेट में बड़ा धमाल और बड़ा कमाल। ये सपना चौधरी मुझे बात करके लगी है। तो सपना से हमारी खास बातचीत आज के लिए, अभी के लिए यहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि सपना को हम हर जगह इसी तरह परेशान करते रहेंगे, इंटरव्यू करते रहेंगे, नई नई बातें सुनते रहेंगे, और आपके मिस्टर राइट के मिलने का इंतजार भी करेंगे। तो सपना चौधरी से ये थी हमारी खास पेशकश, फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। बहुत बहुत शुक्रिया सपना।